हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, आज 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस के पावन अवसर पर हमारे अमरावती शहर में अहमदाबाद महिला आश्रम की साध्वी वक्ता बहन हर्षाली दीदी का सत्संग कार्यक्रम संपन्न हुआ। सत्संग की पूर्णाहुति के बाद अमरावती शहर व आसपास से आई बहनों ने एकदम से हर्षाली दीदी को घेर लिया। फिर क्या हुआ, आगे इसी वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। उससे पहले ये झलकियाँ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज तो आनंद ही आनंद छा गया था अमरावती व आसपास से पधारे साधकों के मन में। बापू की याद में रोए और बापू जी जल्दी आने वाले हैं, इस भाव में बहुत हंसे भी आज सब साधक। खूब झूमे आज बापू के दीवाने। अमरावती के कई साधक सूरत आश्रम के शिविर में गए हुए, फिर भी बापू के दीवानों की संख्या अमरावती के सत्संग में भी काफ़ी अच्छी थी। चलिए देखते हैं कि कैसे दीदी को घेर लिया बहनों ने और सवालों की बौछार कर दी। पर उससे पहले एक छोटी सी झलक सुनते हैं सत्संग की, उस सत्संग की जिसने उपस्थित साधक श्रोताओं के तन मन को गुरु भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। और माँ शबरी ने राम जी आएंगे ऐसा गुरु ने कहा था, तो माँ शबरी को विश्वास था। 80 साल की बूढ़ी हो गई पर कभी गुरु के वचनों में अविश्वास, उसको विश्वास था कि मेरे गुरु ने बोला है कि राम जी आएंगे। तो हमें भी तो गुरुदेव कितनी बार बोल चुके कि मैं आ रहा हूँ, तो हमारे गुरुदेव आएंगे। हम साधकों के दिल में दृढ़ विश्वास है और हमें ये भी विश्वास है कि साधकों की ये हरिओम बोली ऐसी वैसी ये बोली नहीं है। निंदकों की तड़क और गरज से डरने वाली ये टोली डरती है क्या? ये टोली क्यों डरेंगे? अरे हमारे सद्गुरु की महिमा हम क्या गाएं, जहां वेद भी थक चुके हैं, हमारी इतनी छोटी सी जीवा उनका वर्णन क्या कर सकती है। और शास्त्र कहता है ना कि एक संत को दूसरा संत ही पहचान सकता है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहचान सकता। अगर हमें लगता है कि भाई लोग कुछ बोल रहे हैं, तो कौन से लोग बोल रहे हैं? जो अज्ञानी है, जो निगुरे हैं, जिनके जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं ना। फिर क्यों डरना, फिर क्यों घबराना? कुप्रचारकों के माथे तो सदगुरु का साया नहीं है, तो भी वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ तो ब्रह्मज्ञानी गुरुजी हैं, हमारे शीश पर ब्रह्मज्ञानी गुरु का व्रत हस्त है। तो हम सुप्रचार में पीछे हटेंगे? तो हम सभी साधकों को अपने संकल्प को दृढ़ करना है, धीरज रखना है और मजबूती से इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलते रहना है ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। अब देखिए हर्षाली बहन जी को अमरावती की बहनों ने कैसे घेर लिया और पूछने लगी कि आखिर बापू कब आएंगे और सबसे पहले कहाँ आएंगे। ये बालक भाव वाला सवाल भी पूछ ही लिया। अब भाई हम सभी गुरुदेव के बच्चे ही तो हैं, हम तो ऐसे ही सवाल करेंगे। और फिर दीदी को भी जवाब देना ही पड़ा। क्या बताया दीदी ने, सुनिए। बापू जी कहाँ आएंगे और कब आएंगे? अब अमरावती वाले बोलेंगे कि पहले बापू अमरावती आए, अहमदाबाद वाले बोलेंगे कि बापू अहमदाबाद आए, दिल्ली वाले बोलेंगे बापू दिल्ली आए। सभी साधकों का संकल्प है कि भाई बापू जी हमारे, अब जहाँ का जो साधक है वो चाह रहा है कि बापू हमारे यहाँ पे बापू को जानेंगे, देखेंगे। हम गुरुदेव से यही, बापू जी पहले कहाँ आएंगे, इस सवाल का जवाब दीदी ने क्या दिया, वो तो भाई हम अमरावती वाले आपको नहीं बताएंगे। वो सुनने के लिए तो आज आपको हमारे अमरावती में होना चाहिए था। हाँ,
एक बहुत प्रसन्नता भरी बात आप सुनिए, सुनिए क्या कहा आगे दीदी ने। तब तो सिर्फ शहर ही नहीं, सिर्फ गली नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व सजेगा जिस दिन हमारे बापू आएंगे। और बहुत ही जल्द आएंगे हमारे बापू, हम सबका यही विश्वास है, संकल्प है। और ये हमारी देवी चरणों में प्रार्थना है कि बापू जल्दी।